नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन वन में। मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा की सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते आजमगढ़ से पूर्व बीजेपी सांसद रमाकांत यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि पूजा पाठ करने वाला सरकार क्या चलाएगा। वही पार्टी के खिलाफ सवाल पर रमाकांत यादव ने साफ तौर पर कहा कि मेरे लिए दल महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए दलितों पिछड़ों का हक दिलाना ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो पार्टी को पहले भी आगाह किया था 3 महीना पहले कि पार्टी की जो रवैया है, पिछड़ी जात के लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया है प्रदेश को, देश दोनों सरकारों को दिया है, पिछड़े दलित मिलकर के जो उनकी उपेक्षा हो रही, जैसे मकान बनाने में शटरिंग की आवश्यकता पड़ती है और मकान बन जाने के बाद शटरिंग निकालकर फेंक दी जाती है और लोग उस पर चेते नहीं, उस पर लोग ध्यान नहीं दिए, अगर ध्यान दिए होते तो ये स्थिति आज नहीं बनती। देखिए, मैंने पहले कह दिया कि मेरे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए पिछड़ों दलितों का हक, अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान जरूरी है। गोरखपुर से राम सकल यादव की रिपोर्ट। तो अब ये बातें धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली को लेकर पार्टी के बाहर ही नहीं, पार्टी के अंदर खाने भी नेता नाराज चल रहे हैं और अब इन 2 सीटों पर हुए हार के बाद अब वो नाराज नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुखर होने लगे हैं, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ कमजोर किए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के नेता खुद ही मोर्चा खोलने में लग गए हैं।